साइंस कोर मैदान के पास भीषण हादसा, सिटी बस की चपेट में आने से बालक की मौत। बालक की दादी और चचेरी बहन घायल। संतप्त नागरिकों ने बस की तोड़फोड़, बस को किया जलाने का प्रयास। घटनास्थल से भागे चालक और वाहक गिरफ्तार। मृतक बालक और जख्मी शिरसगांव कस्बा के रहने वाले। बडनेरा जाने वाली सिटी बस का एयर ब्रेक लीक होने से चालक की लापरवाही से एक 8 वर्षीय बालक बस की चपेट में आने से कुचला गया। इस बालक के साथ चल रही उसकी 17 वर्षीय चचेरी बहन और दादी घायल हो गए। इस घटना के बाद वहां मौजूद संतप्त नागरिकों ने सिटी बस की भारी तोड़फोड़ कर उस पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया, लेकिन समय पर कोतवाली पुलिस सहित दल पहुंचने से भारी अनर्थ टल गया। इस भीषण हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हुए सिटी बस के चालक और वाहक ने कोतवाली थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद घटनास्थल पर भारी तनाव निर्माण हो गया था। जख्मी दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह घटना कोतवाली थाना के साइंस कोर मैदान के सामने रविवार को दोपहर 9:30 बजे के दौरान घटित हुई। इस हादसे में मृतक बालक जख्मी चांदूर बाजार तहसील के शिरसगांव कस्बा के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस भीषण हादसे में मृत बालक का नाम प्रीतम गोविंद निर्मले, उम्र 8 वर्ष है, जबकि जख्मी चचेरी बहन का नाम वैष्णवी संजय निर्मले, 17 वर्ष, और दादी नर्मदा लक्ष्मणराव निर्मले है। बताया जाता है कि शिरसगांव कस्बा निवासी जख्मी और मृतक बालक यह आज रविवार अवकाश का दिन रहने से अमरावती में अहिल्या मंगल कार्यालय में आयोजित किसी सत्संग समारोह में शामिल होने के लिए शिरसगांव कस्बा से अमरावती एसटी महामंडल की बस से पहुंचे और अमरावती बस स्थानक पर उतरने के बाद साइंस कोर मैदान के पास सिटी बस स्टैंड के सामने से पैदल जा रहे थे। तब अचानक इस बस स्टैंड से बडनेरा के लिए रवाना हुई सिटी बस के एयर ब्रेक लीक होने से चालक का गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया और मार्ग से पैदल जा रहा मासूम बालक प्रीतम निर्मले, चचेरी बहन वैष्णवी और दादी नर्मदा निर्मले बस के पिछले पहिए की चपेट में आ गए। इस भीषण हादसे में बालक प्रीतम के चक्के में आ जाने से वह कुचला गया और उसकी जगह पर ही मौत हो गई, लेकिन हादसे के समय वहां मौजूद ऑटो रिक्शा चालकों ने वैष्णवी को खींचकर बचा लिया, साथ ही उसकी दादी नर्मदा को भी बस की चपेट में आने से बचा लिया। मासूम प्रीतम का बस की चपेट में आने से सर बुरी तरह से फट जाने से उसकी मौत हो गई। बहन और दादी, वहां मौजूद ऑटो रिक्शा वाले और नागरिकों की सतर्कता से बाल बाल बचे। इस भीषण हादसे के बाद संतप्त नागरिकों ने सिटी बस की भारी तोड़फोड़ कर दी और पेट्रोल डालकर उसे जलाने का प्रयास भी किया। नागरिकों के रोष को देखते हुए बस चालक और वाहक घटनास्थल से अपनी जान बचाकर भागे। वह राजापेट थाना पहुंचे और दोनों ने हादसे की जानकारी दी, लेकिन घटनास्थल कोतवाली थाना क्षेत्र रहने से उन्हें कोतवाली भेजा गया, जहां पहुंचकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी चालक का नाम बडनेरा शहर के जूनी बस्ती सावता मैदान निवासी रवि डहाके और वाहक शेखर गदरे है। इस दौरान हादसे के बाद बस की तोड़फोड़ कर उसे जलाने का प्रयास किया जाता रहने की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस सहित QRT व क्राइम ब्रांच का दल और आला अफसर तत्काल घटनास्थल आ पहुंचे और उन्होंने स्थिति को काबू में कर लिया। साथ ही घटनास्थल का पंचनामा कर मृतक बालक का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुँचा दिया गया तथा घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। माझं नाव आहे सुशील विनायक वाजी, मी राहतो संजय नगर नंबर 2 ला। डेपोमधून ॲटो झालो तो यशोदा बायपासचा, आपली गाडीचं नाव काय? एस टी बस तिकडनं आली, तिकडनं 3 लोक पायी पायी येत होती, एक आजी म्हातारी, एक त्याचा नातू आणि एक त्याची मुलगी। त्या गाडीवाल्यानं डायरेक्ट गाडी त्याची अंगावर नेली, पोराचा जीव जागेवर ठार झालेला आहे, पोरगी वाचली आहे, पोरगीचं वय 14-15 वर्ष, पोरगा मागच्या चक्क्यामध्ये आलेला आहे, एसटी बसवाला पळून गेला, लोकांना बाकीची गाडी तोडफोड केली। माझं नाव दत्तात्रय महेंद्र चव्हाण आहे। काय झालं नेमकं? काही मी सिटी बसला ड्युटी इन्चार्ज म्हणून काम करतो, मला ड्रायव्हरचा फोन आला, सिटी बस गाडीमध्ये एक पोरगा चाकाखाली मरण पावला, तसा तत्काळ निघालो आणि पोलीस प्रशासनाला माहिती दिली। माहिती दिल्यानंतर तत्काळ RCP जे प्रशासन आहे त्यांनी तंता वेळ लावता 10 मिनिटांच्या आधी येऊन इथं पूर्ण गाडी जाण्याचा प्रयत्न, डब्बीची गाडी वगैरे घातली, व्यक्ती तयार होती, त्यांच्यामुळे माझी सिटी बस वाढली। आणि परवा सिटी बसचा ठेका कोणाकडे आहे? सिटी बसचा ठेका महेश शाहू ट्रॅव्हल्स अँड टूर्स कडे आहे। महेश शाहू झालं काय नेमकं इथे? ऍक्सिडेंट कसा झाला? झाला त्याच्या गाडीचे ब्रेक फेल झाल्यामुळे ऍक्सिडेंट झाला आहे असं त्या ड्रायव्हरचं म्हणणं आहे। चेक केला पोलीस प्रशासन साहेब येऊन गेले, त्यांनी पण ब्रेक चेक केले, गाडी ब्रेक फेल झाली आहे, त्याच्यामुळे ऍक्सिडेंट झाला आहे। RCP पोलीस प्रशासन जर पोहोचलं नसतं तिथं पूर्ण आगीत आग झाला।